सारे मंदिर। भारत माता की जय। की बात है कि हमारे भाई ने जो हमारे कठुआ का नाम रोशन किया है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो ये बड़ी बात है कि हरिपाल जी मेहनत कश हैं और इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रांग बनाया हुआ है कि ये बाहर बैंकॉक थाईलैंड में जाके ये यहाँ गोल्ड मेडल लेके आए। ये गर्व की बात है हमारे कठुआ ज़िला के लिए, पूरे JKUT के लिए, कि हमारे भाई ने ये जो कठुआ का नाम, इनसे इनको देख के हमारा जो भविष्य, हमारे बच्चे वो प्रेरणा लेंगे कि ये इस उम्र में जयपुरा दमखम से ये मेडल लेके आए हैं। और इनको देख के बच्चे, मैं इनको ये भी कहूँगा कि आप हमारे जो बच्चे हैं ज़िला कठुआ के, उनको भी थोड़ी प्रैक्टिस दें, उनको आशीर्वाद दें कि कैसे खेलों में, बॉडी बिल्डिंग में, हर चीज़ में वो कैसे आना है, तो वो आपको, आपसे वो प्रेरणा लेंगे, आपसे वो सीखेंगे। हमारे साथ आए हुए हमारे रविंद्र शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त सरदार साहब, मैडम जी और इनकी बेटी और इस भाई शीतल जी, बड़ी खुशी की बात है। तो एक बार मैं फिर भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि इनको और ताकत मिले। ये खुशी का अवसर है मेरे लिए कि आज हमें फिर एक बार कठुआ रेलवे स्टेशन पे हमें अभिनंदन करने का मौका मिला है। मेरे दोस्त मित्र हैं बबुल जसरोटिया जी, उन्होंने एक बैंकॉक में उन्होंने एक चैम्पियनशिप का जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ये मुझे भी जिम में ले जाते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं इस चीज़ में, बॉडी बिल्डिंग में, और हर जो भी स्पोर्ट्स के कल्चर होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बबलू जी मेरे साथ DDC वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी और आए हुए सारे इनके परिवार के सबको मुबारकबाद देता हूँ। कठुआ वासियों को आपके माध्यम से कहूँगा कि ऐसा ही बच्चों के, आपके प्रति आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, हम बच्चों को आगे आएँ इसी स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में, जैसे हमारे प्रोग्राम्स हैं खेलो इंडिया वगैरह जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें कभी भी टाइम मिलता तो हम एकदम हम सारे आ जाते हैं इनके वेलकम के लिए, क्योंकि एक मैसेज आता है युवाओं में कि नशा मुक्त देश हो, नशा मुक्त कठुआ हमारा हो, यही हम कामना करते हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ अपने दोस्त मित्र को, 3-3 गोल्ड मेडल जीत के आए हुए हैं। थैंक ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जूनियन इंटरनेशनल जो एक एसोसिएशन है, जिन्होंने एक थाईलैंड पताया में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें मुझे जाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसमें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एसोसिएशन, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन 2022 की तरफ से पावर लिफ्टिंग में मैंने हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिता में, जैसे पावर लिफ्टिंग है, जैसे बेंच प्रेस है और डेड लिफ्ट है, तीनों में मैंने हिस्सा लिया, तीनों में मैंने गोल्ड लिया। और भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक पहला बंदा था जो जिन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया, जिसमें अलग अलग देशों से आए हुए, जैसे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, फिलीपींस से, USA से, चाइना से और मॉरिशस से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, अलग अलग देशों से, जहाँ के यूरोपियन में आज अभी सीज़न चल रहा है, अपना फेस्टिवल सीज़न चल रहा है हमारा हैप्पी क्रिसमस का, तो उसकी वजह से कुछ 2-4 देश कम आए थे, सभी देशों ने भाग लिया और इसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जो गोल्ड मेडल से उन्होंने सम्मानित किया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जिसमें मुझे जहाँ के पठानकोट से हैं बाहर जिम के जो विनोद सर और म्यूरी मैडम, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हिस्सा लीजिए। तो उन्होंने 2 महीने पहले मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन भी डॉलर्स में होती है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पे मैं पहुँचा और वहाँ पे डर तो बहुत लग रहा था मगर एट द एंड जो कंपटीशन में मैंने विन किया। अज दे बहुत खुशी का मौका है, एक साढ़े बबलू भरा और दिखण दी 45 साल की उम्र च इन्ना वड्डा जज्बा, मैं सल्यूट अपने भरा की जिन्हें गोल्ड मैडल लिया
एक बड़ा बहुत एक एक यूथ की दिखी अगे आना चाहिए। मैं चाहना बहुत बड़ा एक जज्बा मेरे भरा दे अंदर जिन्हें थाईलैंड एक नाम रोशन किया कठुए डिस्ट्रिक्ट के साढ़े भरा ने। मैं तह दिलों शुक्रिया करना अपने भरा बबलू वीर हुंदा नाल सीटू वीर हुंदा जिन्हें अपना टाइम कीमती टाइम कढ़िए मेरे भरा से टाइम कढ़िया। बस मैं इन्ना ही बोलगा साढ़े यूथ की नशे छोड़िए मेरे भरा की दिखिए अगे आना ज्यादा।